आज आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो में जो है डॉक्टर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाई डू डॉक्टर्स नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड, अभी तक आप सब किसकी हेल्प लेते हो फाइनेंशियल प्लान बनाने में? अब जैसा कि हमने बात की थी, हम इस वीडियो में बात करने वाले आपकी फाइनेंशियल किटी में टीम में कौन कौन होना चाहिए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, इन्वेस्ट आज फॉर अ बेटर कल। चलिए शुरू करते हैं। आपकी किटी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जना होता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आपको पता होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है आपको बेटर रिटर्न्स फाइल करना, टैक्स बचाना, प्रॉपरली टैक्स फाइलिंग करना। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस एडवाइस लेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपकी किटी में होना फॉर सेविंग टैक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो आपकी किटी में होगा वो होगा आपका बैंकर। जी हाँ दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल किटी में एक बैंकर भी होगा। उसका रोल क्या होगा? आपको बेटर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना और बेटर रेट्स पे लोन प्रोवाइड करना। अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं, सस्ती रेट्स पे लोन लेना चाहते हैं, तो एक नेशनलाइज्ड बैंक को चूज करिए। पर अगर आप बेटर सर्विसेज चाहते हैं, फैसिलिटीज चाहते हैं, तो फिर नेशनलाइज्ड नहीं, प्राइवेट बैंक को चूज करिए। ये आपको अपनी पर्सनलाइज्ड बेसिस पे डिसाइड करना होगा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑफ लेटली बैंकर्स इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर भी बन गए हैं आउट ऑफ नोवेयर, पर वो उस चीज में प्रोफेशनल नहीं है। 2 साल बाद आपका बैंकर चेंज हो जाएगा, तब आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइस कौन देगा? तब आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को कौन ध्यान रखेगा? मोस्टली बैंकिंग में क्या होता है, 2 साल पहले प्रोडक्ट दिया जाता है, फिर नया जना आता है, वो बोलता है पुराने वाले ने गलत दिया था, मैं आपको सही दूंगा, और इस साइकिल में आप चलते जाते हैं। हर 3 साल बाद आपको लॉस लगता रहेगा और आप इस साइकिल कंटिन्यू करेंगे। तो बैंकर से सिर्फ बैंकिंग और लोन्स रिलेटेड सर्विस लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट कोई इंश्योरेंस सर्विस हमें नहीं चाहिए। थर्ड आपकी किटी में आता है इंश्योरेंस एजेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट से एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेना है, या फिर आप चाहे तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरा एक वीडियो है इंश्योरेंस के ऊपर, कैसे एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस चूज किया जाए, डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कैसे चूज करते। नहीं तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलिए, उससे एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए। पर साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपको बेच सकता है ट्रेडिशनल प्लान्स, यूलिप्स, मनी बैक पॉलिसीज। इन सभी में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। ये सभी होती है एक बहुत ही बड़ा ट्रैप जिसमें आपका पैसा उलझ के रह जाएगा, और इसमें आपको कभी भी रिटर्न्स नहीं आएंगे क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, कमीशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इंश्योरेंस एजेंट को आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के लिए। क्यों है यूलिप एक यूजलेस प्रोडक्ट, उस पर भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो इंश्योरेंस से रिलेटेड। फोर्थ आपको चाहिएगा एक लॉयर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक लॉयर चाहिए होगा जो आपके केसेस में और टेक्निकलिटीज में हेल्प करेगा। फिफ्थ होगा एक रियल एस्टेट एजेंट। आपको अपने एरिया में एक अच्छा फेथफुल रियल एस्टेट एजेंट अपने साथ चाहिए, जो आपको बाय चांस अपनी हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए या घर के लिए आपको कोई जगह चाहिए हो तो आपको लाके दे सके। और सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जना जो आपकी फाइनेंशियल किटी में होना चाहिए, वो है आपका फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर, जो काम हम करते हैं। ये आपके लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करेगा, मोर देन इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके गोल्स मैनेज करेगा। आप इसे अपने गोल्स बताएंगे, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स आपसे गोल से मैप करके आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये आपके ऊपर के 5 लोगों से भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, रिक्वायरमेंट होगी तो उनसे हेल्प करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और सजेस्ट करेगा कि किसके पास जाना चाहिए। तो एक अच्छा फाइनेंशियल डॉक्टर, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास होना जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स और बाकी लोगों को मैनेज करेगा, आपके लिए है बहुत ही क्रिटिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर कैसे चूज किया जाए? जितना डिफिकल्ट एक अच्छा डॉक्टर चूज करना होता है, उतना ही क्रिटिकल एक अच्छा एडवाइजर चूज करना होता है। इस पे हम बात करेंगे कैसे एक डॉक्टर अपना बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कर सके नेक्स्ट वीडियो में। पर इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो पे जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस अपने बैंकर से मत लीजिएगा। बैंकर आपको बोलेगा कि आप मेरे प्रिविलेज कस्टमर हो, आप मुझसे ही सारी एडवाइस ले लो, पर बैंकर का काम है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे ही बैंकर इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स देता है, वो अपने सीनियर के बेसिस पर डिसाइड करता है, जो उसके पास प्रेशर होता है, ये बेचो ये बेचो ये बेचो, बैंकर वो ही बेचने लग जाता है। इंश्योरेंस एडवाइजर
का काम होता है इंश्योरेंस देना। जैसे ही आप उसे इन्वेस्टमेंट लोगे, वो आपको मनी बैक पॉलिसीज, यूलिप्स, ऐसे प्रोडक्ट चिपका देगा जिसमें सिर्फ कमीशन ज्यादा होगा और आपको रिटर्न्स किसी हालत में नहीं मिलेंगे। तो इनसे बच के रहिएगा। सीए का काम होता है टैक्स बचाना, वो टैक्स बचा के देगा। अब उससे इन्वेस्टमेंट पूछोगे जिसका वो एक्सपर्ट नहीं है, तो हो सकता है वो आपको गलत एडवाइस दे दे। अब कैसे चूज करना है डॉक्टर, ये हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। ये सीरीज चल रही है डॉक्टर्स के लिए, नेक्स्ट 4 वीडियोस और आएंगे डॉक्टर्स पे, जो डॉक्टर्स की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा कि कैसे आप अपना बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कर सकते हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।